तो बच्चों अब हम यह देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा पहला एक चर के रैखिक समीकरणों में एक ही चर का प्रयोग होता है प्रयोग किए गए चर की अधिकतम घात एक होती है दूसरा समीकरण के दोनों पक्षों में रैखिक व्यंजक हो सकते हैं तीसरा एक चर एक घात का समीकरण है एक्स धन बी बराबर सी जहां ए बी सी वास्तविक नियत संख्याएं हैं व ए शून्य नहीं है चौथा एक चर का द्विघाती समीकरण है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स बराबर डी जहा ए बी सी व डी वास्तविक नियत संख्याएं हैं और ए शून्य नहीं है पांचवा किसी भी समीकरण को हल करने से पहले व्यंजकों को सरल करते हैं छठवा समीकरणों को हम समानता के नियमों के आधार पर सरल कर सकते हैं